AEW और WWE के बीच में बहुत ही बड़ी वॉर चल रही है। वॉर का मतलब व्यूअरशिप की वॉर, देखो जो कि बहुत पहले WCW और WWE के बीच में चला करती थी, तो वही चीज अभी यहाँ पे AEW और WWE के बीच में चल रही है। अब यहाँ पे भाई देखो NXT का शो होने वाला है और यहाँ पे भाई दी अंडरटेकर, जॉन सीना, कोडी रोड्स, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एडवर्टाइज किया गया है। मतलब देखो दी अंडरटेकर को एडवर्टाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन उसी सिटी में अंडरटेकर है जहाँ पे NXT होने वाला है और वहाँ पे परफॉर्मेंस सेंटर भी होता है, तो वहाँ पे भी वो जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो अब ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई AEW का डायनामाइट उसी दिन आने वाला है, तो यहाँ पे भाई डायरेक्ट वॉर होने वाली है NXT और AEW के बीच में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ भाई एज और क्रिश्चियन के कारण से। अब देखो एज और क्रिश्चियन का जो सेगमेंट था जो डायनामाइट में हुआ, जहाँ पे भाई एज और क्रिश्चियन की यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा मोटा सेगमेंट हो रहा था, जहाँ पे एज आए उन्होंने बोला कि मैं क्रिश्चियन के कारण से वापस आया हूँ, वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं मॉक्सी के साथ मैचेस दूंगा, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नाम लिए उन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कहा कि जब यहाँ पे इफ्टिंग के ऊपर अटैक किया गया क्रिश्चियन के द्वारा, तब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे पूरा ये प्रोमो ये वाला था, 11 मिनट का ये वाला प्रोमो भाई 2 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था। मतलब AEW की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि उस वाले शो को इतनी ज़्यादा लाइव व्यूअरशिप देखने को मिल गई। और यहाँ पे भाई स्मैकडाउन के शो को 1.89 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। तो यहाँ पे आप देखो कि NXT के साथ तो वॉर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं AEW ने भाई WWE को ही बीट करके रख दिया। मतलब मेन शो रॉस्टर, उनका मेन रॉस्टर का जो शो है स्मैकडाउन को, उन्होंने बीट करके रख दिया। तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एज और क्रिश्चियन का कितना बेहतरीन ये वाला शो था, एज के आ जाने से AEW को कितना बेहतरीन यहाँ पे बूस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई CM Punk कंपनी में है या नहीं, लेकिन AEW को अब बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, तो उसी के बारे में आज मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, 2000 सब्सक्राइबर्स करा दो, केवल 300 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं। अगर एक वीडियो में 2 या 3 सब्सक्राइबर्स भी पड़ते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, तो छोटा सा रिक्वेस्ट था, ये आप पूरा करा सकते हो। भाई तब आज मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों के बीच में व्यूअरशिप और कौन सा शो इस वक्त ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहली बार AEW पूरा लाइव देखा भाई, मतलब लाइव का मतलब मैंने 1 या 1.5 घंटे उसको पूरा देखा था। और मैं जब AEW को देख रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने TNA खोल के रख दिया। लेकिन देखो बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना कि भाई WWE के जैसा AEW नहीं बन पाएगा, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ वो क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि उसको देखने में आपको केवल रेफलिंग देखने की फील आती है, WWE के प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आते। मतलब देखो रेफलिंग रिंग तो उतनी ही बड़ी है, जहाँ पे AEW और WWE की रेफलिंग रिंग दोनों ही उतनी बड़ी है। यहाँ पे देखो एज को मैंने WWE में देखा हुआ है, आपने भी देखा है, लेकिन जब यहाँ पे AEW में देखा तो भाई पूरा फील ही अलग था। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है कोई एक ऐसा सुपरस्टार जो एज के जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे AEW में जो एज का जो फील था ना वो बहुत ही बेहतरीन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग था। सबसे पहले तो मैं एडम बोलना चाहूँगा, जो कि AEW में उनको नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो WWE में रेटेड आर सुपरस्टार को आप देखते थे भाई, जो एकदम लाइटनिंग वगैरह रहती थी उनकी, जो WWE के शोज में स्मैकडाउन में भाई एकदम नीली लाइट रहती है, और यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में जो ऑडियंस की जो लाइट वगैरह रहती है वो एकदम रेड रहती है, मतलब लाल कलर की रहती है। जब मैचेस वगैरह होता है तो उसको वो बंद कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क टाइप का कर देते हैं। तो यहाँ पे WWE भाई लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा खेलता है, अपने स्टेजेस में खेलता है, पायरोस में खेलता है। जब मैंने AEW में देखा तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे इनकी बत्ती ही बंद हो रखी है, मतलब देखो रिंग के अलावा और मेरे को ऑडियंस अच्छे से दिख नहीं पा रही थी। पहले मेरे को ऐसा लगा कि भाई ऑडियंस आई ही नहीं है, लेकिन जब मैंने कोई एक AEW का फैन जिसने रिकॉर्ड करके वीडियो डाला था, जब मैंने देखा कि भाई यार वहाँ पे मतलब 16,000 ऑडियंस बैठी हुई थी जब एज ने अपना रिटर्न किया था, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था वो रिटर्न। और यहाँ पे जो इनकी ऑडियंस है भी थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की है। यहाँ पे देखो WWE में CM Punk की चेंट्स वगैरह लगते रहते हैं, ऐसा होता है। AEW की ऑडियंस मेरे को लगता है कि आई गेस ज़्यादा मेच्योर्ड है कहीं ना कहीं। इनको देखो इन्होंने एज का नाम भी नहीं लिया भाई, इन्होंने एडम के चेंट्स लगाए, मतलब जो कि एज का नाम जो AEW में यूज़ किया जा रहा है, और भाई बहुत ही बेहतरीन था। और फिर उसके बाद एज और क्रिश्चियन का जो सेगमेंट हुआ है तो वो तो देख के एकदम बवाल ही मच गया। जो यहाँ पे क्रिश्चियन ने एफ वाला जो वर्ड यूज़ किया, तो भाई मैंने कहा कि क्या ही बेहतरीन है ये। और फिर यहाँ पे वो देखने के बाद मेरे को लगा कि यार मतलब कहीं ना कहीं AEW का प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में मैंने AEW देखना शुरू किया है, कहीं ना कहीं उनके पास सुपरस्टार्स की कमी थी तो यहाँ पे उतना अटेंशन नहीं जाता था, लेकिन आज की डेट में उनके रॉस्टर में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सुपरस्टार हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि रेसलिंग का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे आपको ये वाला सेगमेंट कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताना। कहीं ना कहीं यही सब एक ऐसा रीज़न है कि आज की डेट में इस मंथ में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जॉन सीना के बावजूद
AEW ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है WWE से। तो ये वाला कुछ ऐसा वीडियो था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस डे।